सोलन में कुछ दिन पहले पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी थी। शहरवासियों को पानी पांचवें दिन मिल रहा था, जिस कारण शहरवासियों में भारी रोष देखा जा रहा था। पानी ना आने का सबसे बड़ा कारण कोहरा पड़ना बताया जा रहा है। अधिक कोहरा और अधिक ठंड होने के चलते पाइपें फट रही थी, जिसकी वजह से आईपीएच विभाग पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहा था। पानी के टैंक खाली हो चुके थे। जब इस बात की खबर आईपीएच अधिशासी अभियंता रविकांत शर्मा को लगी तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और कई किलोमीटर दूर चलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां बार बार पाइप फट रही थी। उन्होंने न केवल पाइप फटने का कारण जाना बल्कि उसे ठीक भी करवाया। आईपीएच अधिशासी अभियंता रविकांत शर्मा ने कहा कि अधिक कोहरा पड़ने के कारण गिरी उठाऊ पेयजल योजना की पाइपों की बेल्डिंग फट रही थी, जिसकी वजह से पानी योजना से नहीं मिल पा रहा था। पाइप को कई बार रिपेयर किया गया लेकिन स्थिति जस की तस बनी थी। बाद में वेल्डिंग वाले स्थल को जूट के बैगों से ढका गया है, तब जाकर वेल्डिंग टिक पाई है। अब सोलन में पानी की सप्लाई सुचारू कर दी गई है। अब सोलन वासियों को पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले 7-8 दिनों के अंतराल में बीच में दिक्कत आ गई थी थोड़ी हमारी। आजकल जब ये ठंड बढ़नी शुरू हुई तो कुछ कोहरे के कारण कुछ 400-500 मीटर का कुछ हमारा ऐसा स्ट्रेच था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोहरा जमा रहता था, और जिसके कारण शायद कुछ हमारी वेल्डिंग जॉइंट्स में कुछ रप्चर होने शुरू हुए। और आए दिन ही 2-3 दिन में लगातार ही, मतलब जब हमने पाइप जॉइंट्स हम रिपेयर करते थे तो रात को और अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे तक जब ठंड पूरे इस पर होती थी अपने, उस वक्त वो रप्चर करके फिर उसमें लीकेज हो जाती थी, तो फिर हमको स्कीम बंद करनी पड़ती थी। फिर रिपेयर में फिर टाइम लगता था। फिर 3-4 दिन ऐसे सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा उसका फिर एक हल्का सा थोड़ा टेक्निकली भी थोड़ा देखे कि उसको उसको तक टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो अंदर, तो जूट के बैग्स वगैरह हमने उसमें वो करके रोल करके उसके बाहर से फिर हमने उसको फिल किया था, हमने उस मिट्टी वगैरह से फिल कर दिया ताकि उसमें टेम्परेचर बना रहे तो उसको वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वगैरह ना हो। तो खैर लकीली हमारा वो एक्सपेरिमेंट हमारा वो अच्छा चला और अब 3-4 दिन से स्कीम हमारी सुचारू रूप से चल रही है। और अब जो वाटर सप्लाई की जो रूटीन है जो लोग अब एक नॉर्मलिसी पे अब आने वाली है, नॉर्मलिसी पे अब आ गया। तो जैसे अब ये ठंड का भी जो कोहरे का भी ये बारिश वगैरह एक बार आ जाती है तो फिर उसे फिर उस पर हमारा फिर नहीं फर्क पड़ता। कोहरे से थोड़ी जोर शायद थोड़ा हल्का सा डैमेज हुआ था पाइप्स वगैरह में, वो जिसका हमने वो कर दिया, तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि अब कोई हमारे ऐसी दिक्कत आएगी। बिल्कुल ये शेर बनेरा है जगह, वहाँ पे ये कुछ 400-500 मीटर का ऐसा स्ट्रेच है जो बिल्कुल ही एक तो बिल्कुल धूप आती नहीं, बिल्कुल भी सनी नहीं है, वो बिल्कुल ही एक फ्रॉस्ट टाइप। वहाँ पे आप 4 बजे भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे पानी गिरा मिलेगा तो वो जम जाएगा, फ्रीज होता है। हमें खुद उस दिन हम साइड पर भी खड़े थे तो हमने भी यही ऑब्जर्व किया। उस कारण शायद हमें लगा कि शायद इस कारण से थोड़ा ये ज़्यादा जो कोहरे कारण ये दिक्कत आ रही है, तो उसका हमने थोड़ा फिर टेक्निकली थोड़ा देख के तो भी कुछ जो हमने उसका अरेंजमेंट, तो उससे अब हमें निजात मिल रही है। अच्छा।